लोगों स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है वो हमारी कंप्यूटर साइंस जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, समझाऊंगी। सही है, फर्स्ट टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप लोग मेरे यूट्यूब के पेज पर देख सकते हैं, चैनल पर। सही है, वो मैंने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझाया था। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे आज, और टॉपिक वाइज ही पूरी बुक को कवर करेंगे। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इवोल्यूशन के वैसे मायने होते हैं बदलाव, तब्दीली। ठीक है, यहाँ इसके मायने होते हैं तब्दीली यानी बदलाव। सही है, द कंप्यूटर विच वी सी टुडे आर मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर आज हम देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का मॉडर्न शेप है, विच हैव बीन इवॉल्व सिंस सेंचुरीज, जिसमें सेंचुरीज इवॉल्व हैं। सही है, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज जनरली डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग थ्री इराज। और एक कंप्यूटर की तब्दीली के दौर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तीन दौर में डिवाइड किया गया है। इराज कहते हैं दौर। ठीक है, सो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो है वो आज कंप्यूटर की शक्ल बहुत लोगों की मेहनत की वजह से है हमारे पास। हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एरा पढ़ेंगे हम आज। सो मैकेनिकल एरा को और क्या बोलते हैं, डार्क एज बोलते हैं। ये एमसीक्यूज में आ जाता है और आ सकता है, ठीक है, इस साल भी। सो इसको डार्क एज बोलेंगे हम। और मैन हैव बीन ट्राइंग टू इन्वेंट मशीन्स दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ये कह रहे हैं कि इंसान जो है वो, यानी लोग मुख्तलिफ, वो ऐसी कोशिश करते रहे ऐसी मशीन इन्वेंट करने की जो उनकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हल कर सकें। इन मैकेनिकल दौर में ह्यूमन बिकेम सक्सेसफुल टू मेक सिंपल मशीन दैट कुड हेल्प परफॉर्मिंग सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशंस। इंसान जो है वो कामयाब हुआ किसमें, सिंपल मशीन बनाने में जो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकती थी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कंप्यूटिंग, और कंप्यूटिंग दूसरे अल्फाज में कंप्यूटिंग मीन्स काउंटिंग कर सकती थी। ठीक है, दीज मशीन्स वर मैनुअली ऑपरेटेड सिंस इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट इन्वेंटेड। ये मशीन जो है वो मैनुअली ऑपरेट होती थी, आपकी अपने फोर्स से ऑपरेट होती थी, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट नहीं हुई थी, बिजली ईजाद नहीं हुई थी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मशीन्स ऑफ दिस एरा आर, और इस दौर की कुछ इंपॉर्टेंट मशीन्स वो हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। सही, एबकस 3000 BC, बीसी कहते हैं बिफोर क्रिस्ट का मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले। ठीक है, एबकस वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 years ago, 5000 साल पहले इन्वेंट हुई थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम, और इसको काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। एबकस इज स्टिल यूज टू टीच सम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन टू दी स्टूडेंट्स, और ये आज भी यूज़ की जाती है कुछ बुनियादी अर्थमेटिक ऑपरेशन बच्चों को सिखाने के लिए। एबकस इज कंसिडर्ड इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप, और इसको कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है वो कंसिडर किया जाता है, यानी फर्स्ट कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है। फिर हमारे पास नेपियर बोन्स, स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर डेवलप नेपियर बोन्स। एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, ठीक है, जिन्होंने मशीन डेवलप की थी, वो जॉन नेपियर बोन्स के नाम से जानी जाती थी। इन 1612 इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेपियर्स रोड। सही है, 1612 में इसको क्या कहा गया, नेपियर रोड्स के नाम से जाना गया। इट वॉज अ स्मॉल मशीन, एक छोटी मशीन थी, दैट कंटेन 10 roads, जो सही है, एक स्मॉल मशीन थी जिसमें 10 roads थी। द रोड वर मेड अप ऑफ बोन्स, और ये हड्डियों से बनी हुई थी। रोड्स जो थी वुड्स और मेटल, और वुड और मेटल की थी। नेपियर बोन वॉज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, और नेपियर बोन्स की जो मशीन थी वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए यूज होती थी। स्लाइड रूल, इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑक्सफ्रेड इन्वेंटेड अ स्लाइड टूल। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे कौन, विलियम ऑक्सफ्रेड, उन्होंने एक मशीन इन्वेंट की थी जो स्लाइड टूल कहलाती थी। दिस वॉज बेसिकली अ पेयर ऑफ टू मूवेबल रूलर्स होगा ये, ठीक है, ये क्या था, एक पेयर था किसका, टू मूवेबल रूलर्स। सही है, प्लेस साइड बाई साइड प्लेस थे। दे हैड अ स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ मार्किंग कॉल्ड स्केल्स, और इसके ऊपर एक स्टैंडर्डाइज जो है वो सेट था मार्किंग का, जो फिर ये क्या कहलाता था, स्केल। दीज स्केल वर यूज फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, और ये स्केल कितने यूज करते थे, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होती थी ना, काउंटिंग एंड ऑल, उसके लिए। स्लाइड टूल वर वाज
यूज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स। स्लाइड रूल हम किसने यूज़ करते थे हमारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। द मॉडर्न स्लाइड रूल आर स्टिल यूज इन सम कंट्रीज, और आज भी मॉडर्न स्लाइड रूल जो है वो कुछ कंट्रीज में यूज किया जाता है। पास्कलीन और पास्कल्स कैलकुलेटर, ठीक है। फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल, सही है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल, उन्होंने एक मशीन इन्वेंट की थी, सही है, मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था, विच वॉज कॉल्ड पास्कलीन, जिसको बाद में क्या कहा जाने लगा, पास्कलीन कहा जाने लगा। ही डेवलप दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर, इन्होंने ये मशीन क्यों डेवलप की थी, ताकि वो अपने फादर की मदद कर सकें जो क्या थे, एक इनकम टैक्स कलेक्टर थे। पास्कलीन कैन परफॉर्म एडिशन, पास्कलीन क्या कर सकती थी, एडिशन कर सकती थी सब्ट्रैक्शन बाय एट फिगर्स पर। यूजर्स हैड टू एडजस्ट व्हील इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, और जो भी इस मशीन के यूजर्स थे, जैसे हम कंप्यूटर पीसी के यूजर्स थे, तो जो भी इस मशीन के यूजर्स थे उनको व्हील एडजस्ट करने पड़ते थे इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। फिर है लेबनीज कैलकुलेटर, लेबनीज कैलकुलेटर वॉज डिवेलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रिड विल्हेम लेबनीज, सही है, गॉटफ्रिड जो थे वो हमारे, उन्होंने गॉटफ्रिड लेबनीज ने, ये जो थे जर्मन मैथमेटिशियन थे, ये मशीन इन्वेंट की थी। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड स्टेप रिकॉनर, सही है, और इसको जो है क्या कहा गया, स्टेप रिकॉनर। इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल फोर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, और ये पहली ऐसी मशीन थी जो चार बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन एक साथ जो है वो परफॉर्म कर सकती थी, मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बेबेज डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है। बेबेज, चार्ल्स बेबेज वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियर। चार्ल्स बेबेज क्या थे, कौन थे, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चार्ल्स बेबेज को हम जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, बिकॉज ही डिवेलप द फर्स्ट कम्प्लीट कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटिंग मशीन, क्योंकि इन्होंने एक सबसे पहली कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, इन्वेंट की थी। हिज फर्स्ट इन्वेंशन वॉज डिफरेंस इंजन, इनकी सबसे पहले इन्वेंशन क्या थी, डिफरेंस इंजन। इट वॉज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। डिफरेंस इंजन वॉज अ लार्ज मशीन, डिफरेंस इंजन जो थी वो एक लार्ज मशीन थी, मेड ऑफ मेटल एंड वॉज पावर्ड बाई स्टीम, जो मेटल से बनी हुई थी और कहाँ से पावर्ड बाई थी, स्टीम थी यानी धुआं। डिफरेंस इंजन हैज स्टोरेज मैकेनिकल मेमोरी, इसकी जो थी वो मैकेनिकल मेमोरी थी, दैट कुड होल्ड दी डेटा टेम्प्रेरली फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोर द रिजल्ट, जो डेटा को सिर्फ टेम्प्रेरली जो है वो स्टोर करती थी, होल्ड करती थी, दैट कुड एंड रिजल्ट देती थी हमें। इट वॉज यूज टू अलाउ आ यूज़र टू इंटर कैलकुलेशंस, और यूज़र को अलाउ करती थी कि वो अपनी कैलकुलेशन इसमें इंटर करें एंड गेट प्रिंटेड रिजल्ट, और प्रिंटेड रिजल्ट लें। द डिफरेंस इंजन वर्क ऑन डिफरेंस इक्वेशन, और इस इंजन ने डिफरेंस इक्वेशन पर भी जो है वो वर्क किया। देन चार्ल्स बेबेज डिज़ाइन, फिर चार्ल्स बेबेज ने जो है डिज़ाइन किया, बट कुडंट बिल्ड अ वेरी बिग मशीन, लेकिन बहुत बड़ी मशीन नहीं बना पाए। इन 1837, सही, दिस वॉज नेम्ड एनालिटिकल इंजन, और इस सन में इसको एनालिटिकल इंजन कहा गया। 1837 में द प्रपोज डिज़ाइन इंक्लूडेड एन ALU, जो डिज़ाइन प्रपोज किया गया था उसमें ALU इंक्लूड था, विद बेसिक प्रोग्रामिंग फ्लो कंट्रोल, और प्रोग्राम का कुछ कंट्रोल था। इट वॉज प्रोग्राम यूजिंग पंच कार्ड इन एंड कंटेंट इंटीग्रेटेड मेमोरी, सही। हिस्टोरियंस कंसिडर इट टू बी द फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, और हिस्टोरियंस इसको जो है वो कंप्यूटर का फर्स्ट डिज़ाइन कंसिडर करते हैं जनरल पर्पज़ कंप्यूटर का, बिकॉज ऑफ इट्स कम्प्रीहेंसिव डिज़ाइन, इसके कम्प्रीहेंसिव डिज़ाइन की वजह से इसको जो है वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर का कंसिडर किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा मैकेनिकल एरा यानी मैकेनिकल दौर कंप्यूटर का। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारी मुलाकात ज़रूर होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैप्टर की मज़ीद वीडियोज़ और मज़ीद टॉपिक के साथ हमारी आपसे मुलाकात रोज़ हो, सही है। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।